बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखें, हमारे सिलेबस के अंदर इंटर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 9 जो है वो पेज नंबर 205 पर बायोटेक्नोलॉजी के नाम से है। बायोटेक्नोलॉजी का सिर्फ उसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया गया है, बाकी ऑलमोस्ट जो चैप्टर के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो उसके अंदर नॉलेज दी गई है, वो तकरीबन जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड की है। देखिए स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी जो है वो लिखा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं नो प्रॉब्लम, अगर आप मेरे दोस्त हैं या आप जिंदगी की किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जब आप इसके बारे में सुनेंगे कि इसमें क्या तरक्की हो चुकी है और आने वाले वक्त में जो है वो इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर क्या होने जा रहा है, समथिंग वेरी स्ट्रेंज एंड अमेजिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, मैं इससे पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से कि इस फील्ड के अंदर हम लोग जीन्स को रद्दो बदल करते हैं। हम जीन को किसी भी जो हम चाहते हैं कि भाई ये जीन, इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, ये जीन बड़ा कारामद है और यूजफुल है, उसको हम उस जानदार के जीनोम से, डीएनए से कट करते हैं और उससे अपने पसंदीदा जगह पर, अपने पसंदीदा एनिमल या वट एवर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, नस्ल के अंदर पेस्ट करते हैं, जिससे उस नस्ल के अंदर वो करेक्टर आ जाता है जहां से हमने वो जीन जो है वो पिक किया था। सादा सा मिसाल दूं आप लोगों को, फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि भाई ह्यूमन जनरेशन के अंदर अगर जो है वो ब्लू आइज आ जाएं, और किसी जनरेशन के अंदर, इंसान की जनरेशन के अंदर जो है आंखों के कलर को अगर देखा जाए वो ब्लैक है, और वो फैमिली चाहती है कि भाई अब के बाद हमारे जनरेशन के अंदर ब्लू आइज आ जाएं, तो जनाब ब्लू आइज के लोगों का हम जीन पिक करेंगे इस टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, और वो जीन जो है ब्लैक आइज की फैमिली के अंदर पेस्ट किया जाएगा, तो उस ब्लैक आइज की फैमिली के जो बच्चे पैदा होंगे आगे के नस्लों में, उनकी आइज ब्लू होंगी नेचुरली, लेंस वेंस लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से हम अपने मनपसंद, अपने रिक्वायर्ड जीन जो है वो पिक कर रहे हैं प्लांट से, और दीगर प्लांट्स के अंदर हम पेस्ट कर रहे हैं, दो दो चार चार डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट जीन्स को हम पिक करते हैं और किसी एक एनिमल या प्लांट के अंदर डाल देते हैं, वो तमाम जीन्स की प्रॉपर्टीज उस एक जानदार में आ जाती है, जिससे जो है वो जानदार, जिसे आप सुपर प्लांट, सुपर एनिमल, व्हाटएवर कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहां तक के आने वाले वक्त में ये जो कार्टून्स में आप लोग जो है वो सुपर हीरोज देखते हैं, हो सकता है कि इंसान जो है आने वाले वक्त में किसी इस हद तक जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में तरक्की कर जाए कि जो है वो सुपर हीरो नेचरली तौर पर बनाए जाएं। खैर वॉट एवर, अभी तक क्या हुआ है, इस टेक्नोलॉजी पर किस तरह हद तक काम हुआ है, जरा इसको टच करते हैं। देखिए हमारे सिलेबस के अंदर, पाकिस्तान के सिलेबस के अंदर जो है इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो ऑलमोस्ट 1970s या 80s की बताई गई हैं। अब तो उन स्टेप्स के बाद क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ गई है जो बहुत ज़्यादा एडवांस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को उसने तो किसी आसमानों तक पहुँचा दिया है, उसको भी मैं एंड में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप्स के, भाई हम किस तरह से जीन्स को एक जानदार से कट करके किसी दूसरे जानदार के अंदर पेस्ट करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो उसके स्टेप्स क्या हैं और उस स्टेप्स में हम कौन कौन से मेथड्स को, किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, जरा उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए हमें आरडीएनए मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करना होगा। तो आरडीएनए मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करने के लिए प्रिपरेशन ऑफ, इसको कहा जाता है फर्स्ट यू नो द स्टेप को, प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल, कि आप आरडीएनए मॉलिक्यूल किस तरह से प्रिपेयर करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम आरडीएनए मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। देखिए आरडीएनए मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है, अगर मैं यहां पर डीएनए बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये डीएनए है और इस डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस अगर मैं बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल
एडिनाइन, थायमाइन, साइटोसिन, गुआनाइन, ए टी सी जी सी जी जी सी ए टी एन टी ए. फॉर एग्जाम्पल ये एक सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस की और ये रिक्वायर्ड जीन है. ये एक जीन है जो मैं चाहता हूं कि मैं इससे कट करूं. तो जनाब इस जीन को जब यहां से और यहां से मैं कट करके अलग कर दूंगा लाइक दिस, ये डीएनए, तो ये आरडीएनए मॉलिक्यूल कहलाएगा. अब सबसे पहले आरडीएनए मॉलिक्यूल को प्रिपेयर किस तरह किया जाता है, मतलब हम ये आरडीएनए का मॉलिक्यूल किस तरह से कट करेंगे, उसके लिए हमें कौन सी चीजें दरकार होती हैं, किस तरह सा ये मेथड जो है वो किया जाता है, अपनाया जाता है. उसके बाद नंबर सेकंड, आरडीएनए मॉलिक्यूल जब हमारे पास बन जाएगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसके मेथड्स मैं आपको बाद में बताता हूं. दूसरे नंबर पर हमें क्या करना होगा कि भाई इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल, मतलब ये जो आरडीएनए हमने बनाया, आरडीएनए को हमने इंसर्ट करना होगा किसमें, होस्ट सेल के अंदर. अब आप कहेंगे सर ये होस्ट सेल क्या है और इसके अंदर हम क्यों इंसर्ट कर रहे हैं. देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास हमारी मर्जी से कोई अच्छा जीन हमने पिक किया कि भाई ये जीन बड़ा जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर यूजफुल है, या किसी भी नस्ल के अंदर, स्पीशी के अंदर ये जीन जो है वो बड़ा यूजफुल है, हम इसको चाहते हैं, इस जीन को चाहते हैं कि भाई हम तमाम स्पीशी के बाकी मेंबर्स के अंदर पेस्ट कर दें, तो जब हमने वो जीन उस एक मेंबर में से, किसी एक जानदार में से, किसी एक इंसान में से, फर्ज करें इंसानों की बात करते हैं, अगर हम एक इंसान में से वो जीन कट करते हैं, तो वो जो जीन हमने कट किया उस एक इंटेलिजेंट, फॉर एग्जांपल आप न्यूटन ही समझ लें, आइंस्टाइन समझ लें, आइंस्टाइन भाई उसकी अकल का एक जीन हमने कट किया जो बहुत ज्यादा उसको इंटेलिजेंट बनाता था. तो ये जीन अगर मैंने यहां से कट किया, कट करने के बाद ये मॉलिक्यूल मुझे आरडीएनए मॉलिक्यूल कहलाएगा. अब ये आरडीएनए मॉलिक्यूल, आरडीएनए जो हमारे पास है, इसको हमने कैसे कट किया ये तो ठीक है, मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, लेकिन आरडीएनए मॉलिक्यूल को अब मैं चाहता हूं कि मैंने एक इंसान में तो नहीं डालना, मैंने तो भाई पाकिस्तान के फर्ज करें 50,000 लोगों के अंदर डालना है. तो मैंने इस मॉलिक्यूल की, इस आरडीएनए की, इस जीन की 50,000 कॉपीज बनानी होंगी. तो 50,000 कॉपीज के लिए, इस मॉलिक्यूल की कॉपीज के लिए मैं इसको इंसर्ट करूंगा किसी होस्ट सेल के अंदर. अब आप कहेंगे सर होस्ट सेल क्या होगा, तो जनाब होस्ट सेल हमारे पास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया होते हैं और ई कोलाई बैक्टीरिया आप कह सकते हैं, आजकल तो वायरस भी इस्तेमाल हो रहे हैं. तो फर्ज करें कि हमने जो है ये बैक्टीरिया या वायरस, इवन दो के अल्जी की कुछ फॉर्म्स के अंदर भी आरडीएनए मॉलिक्यूल डाला जाता है, और समथिंग लाइक यूनिसेल्युलर जानदारों के अंदर भी किसी हद तक जो है वो काम कर रहे हैं साइंटिस्ट. तो अगर हमने ये रिक्वायर्ड जीन किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, किस तरह से ये मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ना. तो जनाब ये आरडीएनए मॉलिक्यूल हमने बैक्टीरिया के अंदर डाला और ये था हमारे पास स्टेप नंबर 2, आरडीएनए मॉलिक्यूल को इंसर्ट कर दिया किसमें, होस्ट सेल में. अब तीसरा स्टेप क्या होगा कि भाई तीसरे स्टेप के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी होगी किसकी, इस होस्ट सेल की. मल्टीप्लिकेशन क्यों करवानी होगी, जाहिर सी बात है अगर हमने एक जीन पिक किया, एक जीन को पिक करके हमने किसी एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में फर्ज करें हमने डाल दिया, या बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, अभी आप यूं समझे कि बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया ना, तो चले बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया हमने इस आरडीएनए मॉलिक्यूल. अब हमने इस बैक्टीरिया को इसकी कॉपीज करानी है, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, इसको माहौल देना होगा ताकि ये एक बैक्टीरिया करोड़ों की तादाद में चला जाए, और जब बैक्टीरिया करोड़ों की तादाद में चला जाएगा तो हमारा रिक्वायर्ड जीन ऑटोमेटिकली करोड़ों की तादाद में कॉपी हो जाएगा. फर्ज करें हमने इस बैक्टीरिया के अंदर अगर अपना जीन आरडीएनए मॉलिक्यूल डाला है, तो जनाब जब ये बैक्टीरिया कॉपी होगा तो साथ में हमारा मॉलिक्यूल भी कॉपी होगा जी, और जब यहां से दूसरे बैक्टीरिया बनते जाएंगे, यूं लाखों करोड़ों अरबों बैक्टीरिया बन जाएंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड जीन भी अरबों की तादाद में कॉपी हो जाएगा. ये था हमारे पास तीसरा स्टेप जिसे हम कहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन, और जो है इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल इनटू यू नो द होस्ट, जिस होस्ट सेल के अंदर हमने इसको डाला था.
तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो चौथे नंबर पर सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, कि भाई हम बैक्टीरिया को सिलेक्ट कैसे करें। सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया है हमारे पास कि हम उस बैक्टीरिया को सिलेक्ट कैसे करें जिस बैक्टीरिया के अंदर जो है वो हमने अपना रिक्वायर्ड जीन डाला है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि आप आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाओ, आरडीएनए मॉलिक्यूल बना दिया। दूसरा स्टेप क्या था कि इसको इंसर्ट करो बैक्टीरिया में, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, हमने बैक्टीरिया में उसको इंसर्ट कर दिया। तीसरा स्टेप क्या था कि भाई बैक्टीरिया की न्यूमरस कॉपीज बनाओ, बैक्टीरिया को करोड़ों में ऐसा माहौल दो, एनवायरमेंट दो कि वो मल्टीप्लाई होता होता अरबों में चला जाए, ताकि आपके जीन की भी अरबों कॉपीज बन जाए। और चौथा स्टेप कि जनाब आप अपने बैक्टीरिया को सिलेक्ट कैसे करोगे कि इधर किन बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन मौजूद है, रिक्वायर्ड जीन मौजूद है, और किन बैक्टीरियाओं के अंदर हमारा जीन मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई आरडीएनए मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, आरडीएनए मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन यूं होती है कि हमने फर्स्ट करें अगर हमें कोई रिक्वायर्ड जीन चाहिए तो रिक्वायर्ड जीन को डीएनए से कट करने के लिए हमें बायोलॉजिकल सीजर्स चाहिए। जी, कट करने के लिए आप डीएनए को कट कर रहे हो तो हमें बायोलॉजिकल सीजर चाहिए कट करने के लिए। आप कहेंगे सर बायोलॉजिकल सीजर्स, एक सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए का मखसूस पार्ट कट किया जा रहा है, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है क्या हम डीएनए को जाकर कट करें? तो जनाब बायोलॉजिकल सीजर्स कुछ एंजाइम्स को कहा जाता है, एंजाइम्स, जी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बड़ी लिस्ट है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, अगर आप गूगल करेंगे तो आज तक आई थिंक जो है वो अबाउट 3000 के करीब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास अवेलेबल है, मौजूद हैं, जो डीएनए को आई थिंक सो के 200, 230, 40 लोकेशन से कट कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास जो बायोलॉजिकल सीजर्स है वो हमने नाम दिया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए हम डीएनए को मखसूस लोकेशन से कट करते हैं। आप कहेंगे कि सर ये एंजाइम्स क्या हम लोग लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं? जी नहीं, ये एंजाइम्स हमें मिलते हैं अगेन बैक्टीरिया से, अगेन अल्जी से, यूनिसेल्यूलर जानदारों से। भाई उनके पास ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? तो उन जानदारों ने ये एंजाइम्स अपने डिफेंस पर्पस के लिए अपने पास रखे होते हैं। फर्ज करें अगर किसी बैक्टीरिया पर कोई वायरस अटैक करता है, जैसे बैक्टीरियोफेज आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो ऐसे वायरस जब बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो बैक्टीरिया अपने डिफेंस में इन एंजाइम्स को यूज करता है ताकि वो पैरासाइट या जो जानदार उस पर अटैक कर रहा है उसके डीएनए को कट कर सके, उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि वो यूजलेस हो जाए और उसका उस पर होस्ट पर असर ना हो। तो ये एंजाइम्स पहले से ही बैक्टीरिया, पहले से ही जो है वो अल्जी या दूसरे सिंपल जानदारों के पास मौजूद होते हैं। साइंटिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करके वहां से कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग जानदारों से इस तरह के एंजाइम्स, और उनकी एक लिस्ट बना दी है कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिनको बायोलॉजिकल सीजर्स कहा जाता है, ये डीएनए के किस लोकेशन से कौन सा एंजाइम कट करता है ये भी हमने जो है वो स्पेसिफिक कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ई कोलाई, ई कोलाई नाम का एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी मौजूद है, और इसके अलावा हमारे पास HIN3 के नाम से भी एक एंजाइम मौजूद है। ये दो एग्जाम्पल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जिनके जरिए से हम डीएनए को कट करते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है, फर्ज करें अगर हमारे पास ये डीएनए है, या मैं इसको स्ट्रेट बनाता हूं लाइक दिस, ए टी सी जी जी सी सी जी ए टी टी ए लाइक। अब फर्ज करें मैं इस डीएनए को कट करना चाहता हूं, तो मैंने जब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस डीएनए के ऊपर जब डाला, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको जब कट करेगा जेड मैनर में कट करेगा। ये आपने याद रखना है कि भाई डीएनए को कट किया जाता है जेड मैनर के अंदर, लाइक
दिस, और जो ये कट जब कट हो जाएगा तो इस डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा लाइक दिस। ये जेड मैनर में कट हो गया, हमने यहां से इसको यूं कट किया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखिए आप, ये जेड मैनर में कट हो गया, जब जेड मैनर में ये कट हो जाएगा तो इसकी जो एंड होगी, ये एंड, ये स्टिकी साइड्स कहलाती है। तो जनाब स्टिकी एंड्स दैट मींस के डीएनए का वो हिस्सा जहां से हमने किसी डीएनए के पार्ट को, जीन को कट किया है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जरिए या बायोलॉजिकल सीजर्स के जरिए जब हमने डीएनए को कट किया तो ये जो हमारे पास एंड होगी, मतलब यहां वाली एंड और यहां वाली जो एंड होगी, इसको हम स्टिकी साइट कहते हैं। यहां पर हमने ये जीन बना दिया, अब इसको हमने क्या करना है, होस्ट सेल में डालना है। ये था हमारे पास आरडीएनए मॉलिक्यूल, ये जो हमने बनाया, दिस इज व्हाट आरडीएनए मॉलिक्यूल। अब इस आरडीएनए मॉलिक्यूल को, इस डीएनए के पार्ट को हमने जो है वो होस्ट सेल के अंदर डालना है ताकि हम उसकी कॉपीज बना सके। देखिए स्टूडेंट्स, होस्ट सेल के अंदर ये कैसे जाएगा, मैंने आपको पहले बताया कि होस्ट सेल बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, फर्ज करें बैक्टीरिया है, तो हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया की, अलग अलग बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी पिक करते हैं जिसके अंदर सैकड़ों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं लाइक दिस। ये अलग अलग नेचर के अलग अलग स्पीशीज हैं बैक्टीरियाओं की। अब मैंने इस तरह का जो आरडीएनए मॉलिक्यूल है, वो आरडीएनए मॉलिक्यूल इसमें जाकर पेस्ट किया। जब यहां पर पेस्ट किया, यहां पर कुछ सैकड़ों की तादाद में बैक्टीरिया थे, मुझे नहीं पता कि भाई किस बैक्टीरिया में मेरा रिक्वायर्ड जीन जाएगा, लेकिन तरीकाकार यह है कि भाई अगर एक बैक्टीरिया में पिक करता तो उसके अंदर मेरा जीन क्या पता नहीं जाए, मिस हो जाता और पेस्ट नहीं हो पाता, तो सारा मेथड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता। तो इसलिए मैंने बहुत सारे जो है वो बैक्टीरिया पिक किए और आरडीएनए मॉलिक्यूल जब इनके अंदर मैंने पेस्ट किए तो ये पेस्ट होगा प्लाज्मिड के अंदर। देखें हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर, अगर ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है तो इस बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम पाया जाता है यूनोवल, और इस बैक्टीरिया के अंदर एक राउंड ओवल शेप बॉडी पाई जाती है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली प्लाज्मिड को यूज किया जाता है एज ए होस्ट के तौर पर, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड को अगर मैंने जूम किया तो प्लाज्मिड जो है एक, आप समझें कि राउंड शेप डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए कंटेनिंग जो है वो मॉलिक्यूल है। और अगर इसके अंदर प्लाज्मिड के डीएनए के अंदर हम मैनिपुलेशन करते हैं, इसमें रद्दो बदल करते हैं, तो बैक्टीरिया की अपनी बॉडी पर सचेस कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं बैक्टीरिया के अपने डीएनए को डिस्टर्ब करता जो उसके क्रोमोसोम का डीएनए है, तो हो सकता है उससे बैक्टीरिया की नेचर पर कोई खराब असर पड़ते और बैक्टीरिया ग्रो ना कर सकता, बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाता या कोई गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए जो है हमने क्या किया कि उसके अपने डीएनए को छोड़ के जो उसका ओरिजिनल क्रोमोसोम में था, हमने जो रद्द बदल करनी है वो प्लाज्मिड में करनी है। तो प्लाज्मिड को हमने पिक किया, प्लाज्मिड को अगेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए हमने ब्रेक किया आरडीएनए मॉलिक्यूल के जरिए, पहले मैंने आपको बताया है, इस प्लाज्मिड को हमने ब्रेक किया। अब प्लाज्मिड को ब्रेक करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड जीन है आरडीएनए, वो हमने यहां से पिक करके यहां पर पेस्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था जो स्टिकी साइड्स होती है ना, वो स्टिकी साइड्स यहां पर पेस्ट हो जाती हैं, मैच कर जाती हैं, और उसके बाद हमारा रिक्वायर्ड जीन जो है वो प्लाज्मिड में पेस्ट हो जाता है। पेस्ट करने के लिए भी हमें एंजाइम्स चाहिए, हमें कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए थे जिन्हें बायोलॉजिकल सीजर्स कहा जाता है,
पेस्ट करने के लिए हमारे पास डीएनए लाइगेज एंजाइम होते हैं। इनकी भी बड़ी लिस्ट है डीएनए लाइगेज एंजाइम्स की, ये भी हम कलेक्ट करते हैं यूनिसेल्यूलर जानदारों से और बैक्टीरिया एक्सेट्रा से। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई हमारे हमें जो एंजाइम्स चाहिए वो डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए। ये भी ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, पूरा एक इनकी भी फैमिली है और ये डिफरेंट जानदारों से कलेक्ट किए जाते हैं, ये पेस्टिंग का काम करते हैं। तो जब हमने यहां पर जो है वो अपना आरडीएनए मॉलिक्यूल लेकर आए तो डीएनए लाइगेज एंजाइम के जरिए स्टिकी साइट्स को हमने इस तरह से पेस्ट कर दिया, एंजाइम्स डीएनए लाइगेज एंजाइम्स। डीएनए लाइगेज एंजाइम्स के बाद पेस्ट करने के बाद जो है जनाब तीसरे नंबर पर हमारे पास जो मेथड था वो ये था कि आप अपने बैक्टीरियाओं को ग्रो करवाएं, उनके नंबर को बढ़ाएं। हम माहौल देते हैं, बैक्टीरिया को टेम्परेचर देते हैं, फीड करवाते हैं ताकि वो ग्रो करते जाएं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, 16, 32 एंड 64, बढ़ते 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 ये मिलियंस ट्रिलियंस में चले जाते हैं। तो जब ये ट्रिलियंस में पहुंच जाते हैं कि पूरी कॉलोनीज बन जाती हैं, तो ये था थर्ड स्टेप कि आपने उनको जो है उनके नंबर को जो है वो इंक्रीज किया। अब फोर्थ नंबर पर आते हैं कि उनकी सिलेक्शन कैसे की जाती है। भाई सिलेक्शन किस चीज की, फर्ज करें कि ये बैक्टीरिया थे, इन बैक्टीरियाओं के अंदर प्लाज्मिड, अब ये प्लाज्मिड है, कुछ में प्लाज्मिड नहीं भी होते, जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं भी होता। तो कुछ बैक्टीरियाओं के अंदर मैंने प्लाज्मिड बना दिए। अब उन प्लाज्मिड में से इसके पास यहां 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 प्लाज्मिड मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन से प्लाज्मिड में जाकर मेरा डीएनए जो है वो आरडीएनए पेस्ट हुआ था, बिकॉज के बहुत सारे बैक्टीरिया थे, मैंने आरडीएनए डाला, डीएनए लाइगेज एंजाइम डाला और उससे वो जाकर पेस्ट हुआ, लेकिन कहां पेस्ट हुआ मुझे नहीं पता। मैंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, ग्रो करवाने के बाद फर्ज करें अगर इस बैक्टीरिया में वो पेस्ट हुआ था तो इसकी कॉपीज बनी, ये करोड़ों बैक्टीरियाओं के अंदर जो है वो डिवाइड हुआ और होते होते इसकी करोड़ों कॉपीज बन गई, लेकिन इसकी नंबर इंक्रीज होने से साइड वाले भी इंक्रीज हुए हैं, ये बैक्टीरिया भी इस, ये भी मिलियंस में पहुंचा, ये भी, ये सारे बैक्टीरिया मिलियंस में पहुंच चुके हैं, लेकिन मेरा बैक्टीरिया जिसमें मेरा रिक्वायर्ड जीन मौजूद है, आरडीएनए मौजूद है, उसकी कॉपीज को कैसे सिलेक्ट किया जाए, ये हमारे पास चौथा स्टेप है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो उसके लिए हम लोग जो है वो बैक्टीरियाओं के अंदर एक जो है वो समझें कि हमारे पास एक शुगर होती है, उस शुगर के अंदर हम वो शुगर इनके अंदर पुट करते हैं और उससे पुट करने के बाद इनका जो कलर होता है कॉलोनीज का वो चेंज हो जाता है वाइट और जो है वो पिंक के अंदर जनाब, जिससे व्हाइट कलर की जो कॉलोनी होगी उसमें दैट मींस कि हमारा डीएनए रिक्वायर्ड मौजूद है। हम कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, केमिकल्स ऐड करने के बाद हमारे पास हमें क्या होता है कि जनाब जो है जो व्हाइट कलर की कॉलोनी बन जाएगी उन केमिकल्स के ऐड करने से जिसमें शुगर होती है और कुछ जेल होती है वो ऐड करते हैं, पुराना मेथड था अभी तो यूज नहीं हो रहा, तो उससे ऐड करने से क्या होता है कि जनाब कॉलोनी दो कलर में तकसीम हो जाती है, जिनमें हमारा रिक्वायर्ड जीन होता है वो अलग कलर की हो जाती है, जिनमें हमारा जीन मौजूद नहीं होता उस वो जीन रिजिस्ट कर जाता है उस यू नो के पॉलीसेक्राइड से, तो उसका कलर अलग हो जाता है। तो फिर उस कलर की निशानदेही करके हम अपने रिक्वायर्ड बैक्टीरिया को पिक कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्शन के बाद उनसे अपना रिक्वायर्ड जीन जो है वो दोबारा से अलग करके जहां जरूरत पड़ती है वहां पेस्ट कर देते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें फोर स्टेप्स को डिस्कस किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग के। थैंक यू सो मच।